धार नगरी में भगवान गणेश महोत्सव का उल्लास परवान पर है। मंगलवार शाम को शहर के गणपति पांडालों में भगवान श्री गणेश की महाआरती का आयोजन किया गया। वहीं गणेश महोत्सव स्थलों पर प्रातः व शाम को भव्य आरती के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की देर रात तक धूम मची रही। कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। धार नगरी में गणेश चतुर्थी के साथ ही शुरू हुए रिद्धि सिद्धि के देव और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के 11 दिवसीय महोत्सव की धूम मची हुई है। इस 11 दिवसीय महोत्सव का समापन चतुर्दशी को होगा। ऐसे में ज्यों-ज्यों भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का समय नजदीक आ रहा है, श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के विभिन्न गली मोहल्लों और चौराहों में विराजित गणपति पांडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। गणपति पांडालों में सुबह शाम आरती के साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शहर के आशापूर्णा टावर, गोलेछा ग्राउंड के पीछे, श्री इंगलाज भवन के पास, राय कॉलोनी स्कूल के पीछे सहित विभिन्न स्थानों पर गणपति महोत्सव का उत्साह और उल्लास चरम पर है। यहाँ सुबह शाम आयोजित आरती में सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। इसी तरह बाड़मेर के नजदीक स्थित विशाला गांव में गणपति महोत्सव के उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा का वाचन किया जा रहा है। साध्वी सत्य सिद्धा की ओर से की जा रही शिव महापुराण को सुनने के लिए विशाला में सैकड़ों भक्त पहुंच रहे हैं। इस महोत्सव में दान के रूप में धन का संग्रह किया जा रहा है, जिसका उपयोग वात्सल्य आश्रम बाड़मेर में रहने वाले अनाथ बच्चों के लिए किया जा रहा है।